Hey guys, my name is Zahra and this is my next video on derivative topic. Basically ये videos जो मैं बना रही हूँ calculus 1 के articles के ऊपर हैं. calculus 1 की जो content list में जितनी outline शामिल होती है mostly universities की, उनके ऊपर मैं videos बना रही हूँ. अभी हम calculus 1 के topic derivative के ऊपर हैं. derivative एक बहुत ही wide topic है. इससे related मैं 5-6 videos दे चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट दिया है, डेरिवेटिव की डिफरेंट अप्रोचेस डिस्कस किए हैं डिटेल के अंदर, एग्जांपल्स के साथ, प्रूफ्स के साथ. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 6 बेसिक डेरिवेटिव्स किसके इक्वल होते हैं और उनके प्रूफ्स क्या हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ. अगर किसी को ये चाहिए वीडियोज़ तो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक्स अवेलेबल हैं, वो उनको देख सकता है. अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगें, समझ में आ जाएं, पसंद आ जाएं, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें. आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. आज के इस टॉपिक के अंदर मैं वो एग्जांपल्स लूँगी जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्वड हैं, ताकि आपको पता चल सके कि जिस फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्वड हो उसके डेरिवेटिव किस तरह हमने निकालने हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ -8x + 3 cos x. यहाँ पे -8x एल्जेब्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा एंड 3 cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो मैंने अभी आपको बताया कि आज की जितनी एग्जाम्पल्स होंगी उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्वड होगा, ताकि आपको पता चल सके डेरिवेटिव किस तरह निकालते हैं. फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है. ये फंक्शन देखा जाए तो इसमें सम रूल लगेगा, क्योंकि इसमें 2 फंक्शंस हैं, एक f और एक g. f जो फंक्शन है हमारे पास एल्जेब्रिक है और जो g है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पे हो रहा है सम. तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव सम रूल लगाते हुए इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. सो y इज इक्वल टू -8x + 3 cos x. मैंने खुद से y नाम दे दिए इस क्वेश्चन को. हमने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. जब हम x के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, ये डेरिवेटिव की नोटेशन है, d/dx इंटू जो हमारे पास फंक्शन है हम वो लिखेंगे. जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 2 फंक्शंस है, डेरिवेटिव दोनों फंक्शंस पे सेपरेटली अप्लाई होगा. -8x पे देन डेरिवेटिव ऑफ 3 cos x. -8 यहाँ पे कांस्टेंट है. सो अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो कांस्टेंट मल्टीपल वाली, कांस्टेंट मल्टीपल रूल डेरिवेटिव के अंदर, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई कांस्टेंट आएगा वो डेरिवेटिव से हम बाहर निकाल लेंगे. सो -8 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैं -8 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल लूँगी और डेरिवेटिव जस्ट वेरिएबल x का हम लेंगे. यहाँ पे 3 cos x है, 3 कांस्टेंट है, तो मैं क्या करूँगी, 3 को भी बाहर निकाल लूँगी डेरिवेटिव से और डेरिवेटिव जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि cos x है उसका होगा. -8 डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने कहा था अगर हम किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव ले रहे हों उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, तो वो 1 आता है. जैसे dy/dy, d/dz/z फंक्शन. फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ z का विद रिस्पेक्ट टू z, y का विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये भी 1 आते हैं. तो यहाँ से ही हम कहेंगे अगर हम x का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी 1 आएगा. तो यहाँ पे मैं इसको इसकी वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, +3 × cos x का डेरिवेटिव. cos x का डेरिवेटिव मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है. cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x. हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे, हमने यहाँ पे इसको प्रूफ नहीं करना, हमने यहाँ पर डायरेक्टली cos x के डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है. जो रिजल्ट है, क्या रिजल्ट था, -sin x. अगर किसी को ये नहीं आता तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनको आप प्लीज़ वॉच करें ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए. -8 + 3 × -sin x. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा -8 - 3 sin x.
ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का माइनस एट एक्स प्लस थ्री कोस एक्स का। मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, डेरिवेटिव जब हम लेंगे दो फंक्शन हैं दोनों पर सेपरेटली अप्लाई होगा, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएंगे, डेरिवेटिव जस्ट वेरिएबल जो होंगे उनका होगा। सो एक्स यहाँ पे वेरिएबल था, यहाँ पे कोस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस एट इंटू वन। और कोस एक्स का डायरेक्टली हम डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स पुट करेंगे। यहाँ पे आप हिंट दे सकते हैं कि डेरिवेटिव कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो आपने उसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दी। सो माइनस एट प्लस थ्री इंटू माइनस साइन एक्स, जब सिंप्लीफाई करेंगे माइनस एट माइनस थ्री साइन एक्स आंसर आएगा, जो कि हमारा डेरिवेटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल, वाई डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। वाई डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था वाई प्राइम, ये नोटेशन होती है डेरिवेटिव की, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। अगर y के ऊपर डबल प्राइम होता तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की नोटेशन होनी थी। यहाँ पे सिंगल प्राइम है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोट एक्स माइनस वन ओवर एक्स। अगेन यहाँ पे ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन को, और यहाँ पे कोट एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। सो मैंने अभी जैसे बताया कि मैं एग्जांपल सिर्फ वही ले रही हूँ जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो, ताकि आपको पता चले डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किस तरह लेना है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस रूल लगेगा डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव डिफरेंस रूल क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉट एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे टू फंक्शन हैं, दोनों फंक्शन का क्या हो रहा है, डिफरेंस। तो हम डेरिवेटिव जब लेंगे फर्स्ट फंक्शन का माइनस डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन का वन ओवर एक्स स्क्वायर। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर यहाँ पे आप नोट करें डेरिवेटिव में लिया एक्स स्क्वायर कॉट एक्स का, यहाँ पे फिर से एक एल्जेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। सो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है टू फंक्शंस का। तो हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन हम एक फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, एक को सेकेंड फंक्शन कंसिडर करेंगे और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये मैंने किस तरह लिखा, मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है, प्रोडक्ट रूल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, आप उसको जब वीडियोस को देखेंगे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, वन ओवर एक्स स्क्वायर। वन ओवर एक्स स्क्वायर को किस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इसकी पावर टू है पॉजिटिव में। अगर मैं एक्स स्क्वायर को नॉमिनेटर की तरफ ले चलूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x माइनस टू, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। x स्क्वायर कॉट x का यहाँ पे हम डेरिवेटिव लगाएंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स का पूरी वीडियो बनाई है, प्रूफ्स दी हैं, आप उसको देखें आपको पता चलेगा कॉट x किसके इक्वल है। तो कॉट x इक्वल होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स के। कोसेकेंड को सी ओ एस ई सी भी लिखते हैं, सी एस सी भी लिखते हैं। सो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोट एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम क्या लगाएंगे, पावर रूल। पावर रूल कैसे लगता है, पावर पहले एक्स की पावर में से माइनस वन, अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव विदाउट पावर, तो वो एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, तो मैंने वो उसको यहाँ पे नहीं लिखा। यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा है एक्स की पावर माइनस टू का, तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आ रहा है पावर में, तो हम इसके ऊपर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब उसको ओपन करेंगे तो माइनस टू पावर पहले एक्स माइनस टू माइनस वन, अगेन एक्स का डेरिवेटिव वन था, मैंने मेंशन नहीं किया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट कॉट एक्स, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस टू एक्स माइनस थ्री इसकी पावर आ जाएगी। जब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स कॉट एक्स
माइनस इंटू माइनस प्लस टू, एक्स की पावर माइनस थ्री है, तो मैं इसको जब डिनोमिनेटर में लिखूंगी तो पॉजिटिव थ्री लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। अगर ऐसे भी लिखेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा। ये हमारा आंसर था। इसको मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ। सो ये हमारा है आंसर। आप अगर चाहें तो इस आंसर में फर्स्ट टू टर्म्स में से x को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो जो अंदर आएगी तो आप 2 cot x माइनस x का सेकेंड स्केयर x प्लस 2 ओवर x क्यूब इस तरह भी दे सकते हैं। ये भी आंसर ठीक होगा, ये भी आंसर हमारा ठीक होगा। तो ये किस चीज़ का डेरिवेटिव था? एक्स स्केयर कोट एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्केयर का अगर हम डेरिवेटिव लें फर्स्ट ऑर्डर, तो वो हमारे पास ये आएगा। मैं फिर से बता देती हूँ हमने क्या किया। हमने डेरिवेटिव डिफरेंस रूल लगाया। डेरिवेटिव डिफरेंस रूल किस तरह लगाया? डेरिवेटिव लिया दोनों फंक्शंस का सेपरेटली। जो फर्स्ट फंक्शन था हमारे पास वो प्रोडक्ट था दो फंक्शंस का, एक्स स्केयर का और कोट एक्स का, तो हमने उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा दिया। और जो सेकेंड फंक्शन था उस पर हमने पावर रूल लगा दिया। प्रोडक्ट रूल लगाया, उसको ओपन किया, कोट एक्स की हमारे पास डेरिवेटिव होता है माइनस का सेकेंड स्केयर एक्स, ये आपको याद करने पड़ेंगे, डायरेक्टली आपने पुट करने हैं। और इस तरह हमने उसको सिंप्लीफाई करते हुए आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या है? वाई हमारे पास एक फंक्शन है, वो इक्वल है कोज एक्स ओवर वन माइनस साइन एक्स, फाइंड वाई प्राइम। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, वाई प्राइम का मतलब ये होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डेरिवेटिव कोशेंट रूल लगेगा। मैंने एग्जाम्पल्स 7 एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं आपको आज करवाऊँगी। 7 के 7 एग्जाम्पल्स मैंने डेरिवेटिव के रूल्स को देखते हुए लिए हैं, ताकि आपको हर रूल के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल करवा दो। ये यहाँ पे जो डेरिवेटिव रूल लगेगा वो होगा डेरिवेटिव कोशेंट रूल। यहाँ पे कोज एक्स और साइन एक्स रिप्रेजेंट करे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कैसे होगा? जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू फंक्शन का, जो भी फंक्शन जिस भी टर्म के इक्वल है वो लिख देंगे। यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल हमें क्या कहता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिखेंगे हम ऊपर पहले, इनटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमने इस तरह लिख दिया, कोशेंट रूल, डेरिवेटिव कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव कोज एक्स का मैं डायरेक्टली पुट करूंगी माइनस साइन एक्स। ये किस तरह इसके इक्वल है ये आप मेरी वीडियो देखेंगे आपको आइडिया होगा। डेरिवेटिव 1 माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव 1 का अलग से लेंगे और डेरिवेटिव साइन एक्स का अलग से अप्लाई करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस साइन स्केयर एक्स हो जाएगा इंटू सॉरी माइनस कोज एक्स इंटू डेरिवेटिव 1 का, 1 यहाँ पे कांस्टेंट है डेरिवेटिव का, अगर हम डेरिवेटिव लें किसी कांस्टेंट का तो वो होता है 0, माइनस डेरिवेटिव साइन का होता है कोस एक्स, तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दी है मैंने। माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स, इधर 0 माइनस कोज एक्स, तो जब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जस्ट माइनस कोज एक्स रह जाएगा। माइनस कोज एक्स को माइनस कोज एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कोज स्केयर एक्स बन जाएगा और 1 माइनस साइन एक्स का होल स्केयर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस साइन एक्स, इस टर्म की जगह ना मैं 1 लिख सकती हूँ। कैसे? मेरे पास एक आइडेंटिटी है, आपने 9th 10th में पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ते हैं, साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू
वन, अगर साइंस के रेक्स प्लस कोर्स के रेक्स हो रहा हो तो वो वन के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मैं वन लगा दूंगी, वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वन है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, वन क्योंकि प्लस का वन माइनस साइन एक्स, मैंने बस अरेंजमेंट चेंज किया, क्यों किया अभी मैं आपको बताती हूँ ताकि मैं इसको कैंसिल कर सकूँ। वन माइनस साइन एक्स ऊपर है और नीचे है वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर मैं ये टर्म इस नीचे से काट दूँ तो ये एक वन माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या आएगा, वन ओवर वन माइनस साइन एक्स, जो कि हमारा फाइनल आंसर है डेरिवेटिव किसका, इस फंक्शन का। सो माइनस कोज एक्स ओवर वन माइनस साइन एक्स किसके इक्वल है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, क्वेश्चन रूल लगाया, क्वेश्चन रूल के बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे एक रिजल्ट यूज़ किया और एट द एंड मेरे पास आंसर आ गया वन ओवर वन माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, फाइंड वाई डबल डेरीवेटिव, वाई डबल प्राइम मीन्स वाई डबल डेरीवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव हमने फाइंड आउट करना है किसका, वाई इज इक्वल टू सेकेंड एक्स का। तो जब हम इसको करेंगे किस तरह करेंगे, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव लेते हैं, देन हम सेकेंड ऑर्डर की तरफ चलते हैं। तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू सेकेंड एक्स। अब यहाँ पर मैं हिंट दे देती हूँ, अगर हम डेरिवेटिव लें सेकेंड एक्स का तो वो इक्वल होता है सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी यहाँ पर रिजल्ट, तो सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा। ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और वाई प्राइम का आंसर क्या है, सेकेंड एक्स टेन एक्स। अब हमारे पास अगर आप नोट करें यहाँ पे तो वाई डबल प्राइम बन गया, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शंस आ गए और उनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज, लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन दिस इज सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव किसका, सेकेंड फंक्शन का, प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट फंक्शन का जो कि सेकेंड एक्स है, सेकेंड एक्स एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, टेन एक्स का, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज, और सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पे सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। और अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा सॉल्व, सेकेंड क्यूब एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेकेंड एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अगर आप चाहें तो सेकेंड एक्स इधर से कॉमन ले सकते हैं, और हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर सेकेंड एक्स में कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हम रुक रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा आंसर है। तो अगर हम डेरिवेटिव लेंगे y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स का डबल डेरिवेटिव, तो हमें इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, अगेन फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करके। ये होगी हमारी फोर्थ एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोज एक्स। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन इस तरह का लिया जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है दो फंक्शंस का, ताकि इस पर मैं आपको डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके दिखा दूँ। वैसे तो हमने एग्जाम्पल में डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल बहुत कर लिया है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड डेरिवेटिव लेट्स सपोज ये वाई प्राइम, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकालना है, सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स कोज एक्स।
अब यहाँ पे साइन एक्स वन फंक्शन है, कॉज एक्स सेकेंड फंक्शन है. आप कॉज एक्स को फर्स्ट कह सकते हो, साइन एक्स को सेकेंड कह सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं. आप किसी को भी फर्स्ट सेकेंड करके आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो. प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मैं इसको फर्स्ट कंसिडर कर रही हूँ, इसको सेकेंड. सो फर्स्ट एज इट इज डेरीवेटिव किसका, सेकेंड का, प्लस सेकेंड एज इट इज डेरीवेटिव किसका, फर्स्ट का. साइन एक्स इंटू डेरीवेटिव कोज एक्स का. अगर कोज एक्स का डेरीवेटिव यहाँ पे लूँ तो वो आता है माइनस साइन एक्स, मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी. साइन एक्स का डेरीवेटिव लूँ तो वो आता है कोज एक्स. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन स्केयर एक्स प्लस कोज स्केयर एक्स, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कोज स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स. तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा साइन एक्स कोज एक्स के डेरीवेटिव का. अगर मेरे पास फंक्शन है वाई इक्वल टू साइन एक्स कोज एक्स, तो उसका डेरीवेटिव किसके इक्वल होगा, कोज स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स के. नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स एग्जाम्पल, वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस साइन एक्स. ये डेरीवेटिव डिफरेंस रूल इस पर अप्लाई होगा. फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव, हमने इसका सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, डी वाई और डी एक्स. पहले हम फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका फिर से डेरीवेटिव लेके सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे. डेरीवेटिव एक्स स्केयर का अलग से माइनस डेरीवेटिव साइन एक्स का अलग से. एक्स स्केयर का डेरीवेटिव लेंगे तो वो पावर रूल लगेगी, तो टू पहले पावर में से माइनस वन, अगेन एक्स का डेरीवेटिव विदाउट पावर वो वन आएगा, माइनस डेरीवेटिव साइन एक्स का आ जाएगा कोस एक्स. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वाई प्राइम टू एक्स माइनस कोस एक्स. अब टू एक्स माइनस कोस एक्स हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरीवेटिव. अगेन टेकिंग डेरीवेटिव, जब दोबारा हम डेरीवेटिव लेंगे किसका, ऑफ इक्वेशन वन. लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन वन, वन का दोबारा से डेरीवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई प्राइम डी ओवर डी एक्स इंटू टू एक्स माइनस कोस एक्स. यहाँ पर डबल प्राइम हो जाएगा और यहाँ पर दोबारा से हम डेरीवेटिव इंडिविजुअल फंक्शन पर अप्लाई कर देंगे सेपरेटली. टू कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा. डेरिवेटिव किसका होगा, जस्ट एक्स का. कोज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स. टू इंटू डेरिवेटिव एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स. तो हमारे पास आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया टू प्लस साइन एक्स वाई डबल प्राइम. हमने फाइंड करना था सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव, हमने वो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सेवन, दिस इज माई लास्ट एग्जाम्पल. मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखा सकती हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता चल जाए हमने लेने कैसे हैं डेरीवेटिव, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो गया. प्रैक्टिस आपने खुद करनी है. मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने रिकमेंडेड बुक्स बताई हैं जिनमें ये एप्लीकेशंस हैं, जिनमें वन से सेवन चैप्टर्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे विद एग्जांपल्स विद एक्सरसाइजेस. आप उनको मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे पेपर में अनसीन क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा ना, आप उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे. सेवन्थ एग्जाम्पल क्या है, वाई डेरीवेटिव फाइंड करना है. वाई टू थ्री कोस थ्री एक्स, ये मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल और पावर रूल का क्वेश्चन डाला है. इसमें कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल और पावर रूल दोनों यूज़ होंगे. सो वाई इज इक्वल टू थ्री कोस क्यूब एक्स, तो हमने अगर डेरीवेटिव लेना है तो डी वाई ओवर डी एक्स लेंगे, तो वो आएगा डी ओवर डी एक्स इंटू थ्री कोस क्यूब एक्स. थ्री क्योंकि कॉन्स्टेंट मल्टीपल हो रहा है किसी फंक्शन के साथ, थ्री बाहर आ जाएगा डेरीवेटिव से. डेरीवेटिव हम किसका लेंगे, जस्ट कोस क्यूब एक्स का. जब हम कोस क्यूब एक्स का डेरीवेटिव लेंगे तो यहाँ पे कोस क्यूब एक्स इट मीन्स क्यूब क्या है, पावर है कोस की. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री ओवरऑल. सो थ्री इंटू, जब डेरीवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगी, थ्री पहले कोस एक्स की पावर में से माइनस वन, अगेन डेरीवेटिव किसका, इनसाइड फंक्शन का, जिसे हम कहते होते हैं
मैं कहती होती हूँ अक्सर अगेन डेरिवेटिव फंक्शन विदाउट पावर, सो पावर के बगैर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे. 3 × 3 कोज एक्स स्क्वायर × कोज एक्स का डेरिवेटिव. कोज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स. सो माइनस साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. 3 × 3 कोज स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये जो माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है ये हम स्टार्ट में लिख देते हैं. 3 × 3 9, सो माइनस नाइन कोज स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स. ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका? 3 cos³ x का. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए और उसकी कुछ पावर हो तो आप क्या करेंगे? आप पहले पावर डेरिवेटिव में, पहले पावर, फिर उस फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो पावर है उसमें से माइनस वन, अगेन डेरिवेटिव इनसाइड फंक्शन का जस्ट विदाउट पावर. उसकी पावर नहीं लेंगे, जस्ट इनसाइड फंक्शन का लेंगे. और वो इस तरह आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पावर रूल उस भी इस तरह अप्लाई कर सकते हैं. सो ये थी मेरी आज की वीडियो डेरिवेटिव से रिलेटेड. मैंने अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक करें. थैंक यू.